नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो आप आसानी से आप क्लास 9th 8th 7th 6th इसमें आप आसानी से इसका यूज करके आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट प्राइस कहते किसको है वो पहले आप जान जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या कहते किसको है, जब कोई भी दुकानदार जिस प्राइस पे खरीदता है कोई भी सामान को उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड ए कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से डिनोटेड करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। जब भी कोई दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट को उस जिस प्राइस पे खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। कोई भी दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट को किसी एक रेट पे बेचता है, जिस प्राइस पे बेचता है उस प्राइस को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट आप जानते हैं प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं जब कोई भी सामान आप सपोज 10 रुपए में खरीदा उसको जो बेचा आपने 12 रुपए में, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 2 रुपीज होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस अगर होता है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस इट मींस लॉस। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है तो कैसे डिसाइड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस कैसे, सपोज मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक्चुअल प्राइस रखता है और उसके ऊपर अपना जो प्रॉफिट उसका होता है थोड़ा बहुत वो रखता है, उसको हम कहते हैं ओवरहेडेड कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस जो बनता है वो एक्चुअल प्राइस प्लस ओवरहेडेड कॉस्ट से बनता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस किससे कहते हैं, सेलिंग प्राइस होता है क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था अगर आप किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदेंगे अगर 12 रुपए बेचते हैं तो उसमें कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपए भी हो गया और प्लस 12 रुपए हो गया, तो 12 रुपए 2 रुपए जो है वो प्रॉफिट होता है। तो इसको दोनों मिलाकर जो प्राइस बनता है 12 रुपए का उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसमें प्रॉफिट कितना हुआ वो कैसे पता चलेगा, इसमें प्रॉफिट कितना है वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने किसी भी वस्तु को कितने में बेचा, सपोज आपने 12 रुपए में बेचा और खरीदा था उसको 10 रुपए में, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 रुपए था और बेचने का जो प्राइस था 12 रुपए था, तो 12 रुपए में से अगर 10 रुपए घटता है तभी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट बोलते हैं। अब लॉस किसको बोलते हैं, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस है, सपोज आपने 10 रुपए में उसको खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो गई, इसको सीपी हो गया, इसको सीपी बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस यानी कि आपने उसको 8 रुपए में बेच दिया, तो 8 रुपए में अगर बेच दिया तो लॉस ही होगा, अगर 12 रुपए में बेचेगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। अगर 8 रुपए में बेचा तो वो लॉस में जाएगा, तो लॉस इसका तो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं लॉस। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं पी डिवाइड बाय सीपी, सीपी क्या होता है, पी क्या होता है, पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट हमने यहां पे दे रखा है, पी मतलब प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये प्रॉफिट को अगर परसेंटेज में निकालना हो तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 को हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। सेम उसी प्रकार अगर लॉस को परसेंटेज में निकालना हो तो लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, तो इस ये लॉस को परसेंटेज में निकाल कर रखें। अगर इसी में अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मैं बताऊं, सिंपल इंटरेस्ट अगर नहीं आता तो सिंपल इंटरेस्ट कर तो पी इंटू आर इंटू टी, पी मतलब मूलधन या एक्चुअल अमाउंट होता है, आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम, डिवाइड बाय 100, ठीक है। सपोज किसी ने आपको कर्ज लिया आपको 100 रुपए, तो 100 रुपए आपका मूलधन हो गया यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट को क्या बोलते हैं पी, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, तो 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट। दर आपने इंटरेस्ट क्या रखा है और टाइम कितने साल के लिए दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूले का वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है।
चलते हैं। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने दे रखा है यहाँ पे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू वन प्लस आर मतलब रेट डिवाइड बाई 100 इंटू एन, एन मतलब टाइम, एन टाइम कितना टाइम तक दिया है, ठीक है, ड्यूरेशन जिसको एन मतलब टाइम या ड्यूरेशन बोल दो, ड्यूरेशन मतलब 5 साल के लिए 6 साल को फिक्स होता है इसमें पे। तो पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम और एन मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब भी टाइम ही होता है, ठीक है। ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको पॉज करके आप नोट पतली सी नोटबुक में आप लिख लें, जिसको सुबह शाम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फॉर्मूले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।